वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनल जेनिटल एरिया। इंटरनल जेनिटल एरिया में अपन ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की जो सपोर्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया था, और जो यूट्रस की सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उनके बारे में क्या है अपन ने डिस्कस कर लिया था। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या है, एक बार अपन इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं या समराइज कर लेते हैं। Supports of the uterus. The uterus is supported in the pelvic cavity by surrounding organ, muscles of the pelvic floor and ligament. जो uterus है वो किसके द्वारा supported, कहाँ पे supported, the supported in the pelvic cavity. जो अपनी pelvic cavity वहाँ पे क्या है, uterus situated होता है, बाई सराउंडिंग ऑर्गन, किसके द्वारा, सराउंडिंग ऑर्गन्स के द्वारा, मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर की मसल्स, लिगामेंट सस्पेंडेड इट फ्रॉम वॉल ऑफ द पेल्विस, ये क्या है अपने यूट्रस की सपोर्ट्स हैं। आफ्टर आता है अपना सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में क्या क्या है, ब्रॉड लिगामेंट है, राउंड लिगामेंट है, यूटेरस सेक्टोरल लिगामेंट है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट है या कार्डिनल लिगामेंट है, पुबियोसेक्रल फिशिया, ये क्या है इसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले क्या है अपना, ब्रॉड लिगामेंट। तो अपन ब्रॉड लिगामेंट की बात करें तो ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है, दीज आर फॉर्म बाय ए डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस। ये किससे बनता है ब्रॉड लिगामेंट, डबल फोल्ड ऑफ द जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम की डबल फोल्ड से क्या है ये बनता है, और अपना जो यूट्रस है उनके दोनों साइड के अंदर क्या है प्रेजेंट होता है, कितना, एक एक जो है ब्रॉड लिगामेंट अपने यूट्रस के दोनों साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। दे हैंग डाउन फ्रॉम द यूट्राइन ट्यूब, ये क्या है लटके, हैंगिंग का मतलब क्या, लटकना, हैंग डाउन नीचे की तरफ फ्रॉम द यूट्राइन ट्यूब एज थ्रो ड्राफ्ट ओवर देम देयर लेटरल एंड दे आर अटैच्ड टू द साइड ऑफ द पेल्विस। जो अपने साइड ऑफ पेल्विस है वहां पे क्या है ये हैंगिंग हुए, लटकना, लटके हुए रहते हैं। The uterine tube are enclosed in the upper free border then and near the lateral end they penetrate the posterior wall of the broad ligament and open into the peritoneal cavity. कहाँ पे open होते हैं ये, अपने जो peritoneal cavity है वहाँ पे क्या है ये open होते हैं। The ovaries are attached to the posterior wall on one each side. जो ovaries है वो क्या है, प्रत्येक पोस्टीरियर वॉल पे क्या है अटैच होती है, और प्रत्येक साइड के अंदर क्या है एक होती है। ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड नैरो पास टू द यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब बिटवीन द लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। जो अपनी ब्रॉड लिगामेंट की जो लेयर है उनके बीच से क्या है ब्लड और लिम्फ वेसल्स नैरो वो क्या है पास होती हैं। तो ब्रॉड लिगामेंट की अगर हम बात करें तो ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है, ब्रॉड लिगामेंट है वो क्या है एक डबल फोल्ड होता है किसका, पेरिटोनियम का, जो अपने यूट्रस के दोनों साइड के अंदर क्या है प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे हैंग, ये क्या है लटका हुआ रहता है कहाँ पे, यूट्राइन ट्यूब पे डाउनवर्ड की तरफ, और किससे अटैच होता है,
अटैच टू द साइड साइड ऑफ द पेल्विस, पेल्विस की साइड पे क्या है ये अटैच होता है। द यूट्राइन ट्यूब आर एनक्लोज इन द अपर फ्री बॉर्डर, यूट्राइन ट्यूब है वो कहाँ पे एनक्लोज होती है, अपर फ्री बॉर्डर पे एंड नियर द लेटरल एंड एंड दे पेंट्रेट द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड ओपन इन टू द पेरिटोनियल कैविटी। द ओवरीज आर अटैच टू द पोस्टीरियर वॉल, ओवरीज कहाँ पे अटैच होती है, पोस्टीरियर वॉल पे ऑन वन ऑन ईच साइड, एक क्या है प्रत्येक साइड के अंदर। ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स एंड नर्व पास टू द यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब बिटवीन द लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। ब्लड और लिम्फ वेसल्स और नर्व वेसल्स के हैं पास होती है कहाँ से, यूट्रस पे और यूट्राइन ट्यूब के बीच में से, जहाँ और जो अपनी ब्रॉड लिगामेंट है उसकी लेयर के बीच में से। नेक्स्ट अपना आता है राउंड लिगामेंट, दे आर बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू बिटवीन द टू लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। ये क्या है, बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू है, ठीक है, बिटवीन द टू लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द टू लेयर ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के प्रत्येक साइड के अंदर। दे पास टू द साइड ऑफ द पेल्विस देन थ्रू द इंगल कैनाल टू एंड बाय द फ्यूजिंग विद द लिबिया मेजोरा। नेक्स्ट है द ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, द ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट कार्डियल लिगामेंट दीज एक्सटेंड ऑन वन फ्रॉम ईच साइड ऑफ द सर्विक्स एंड वेजेना टू द साइड वॉल ऑफ द पेल्विस। द ट्रांसवर्स जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्डियल लिगामेंट बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है, दीज एक्सटेंड वन फ्रॉम ईच साइड ऑफ द सर्विक्स एंड वेजेना टू साइड वॉल ऑफ द पेल्विस, ये क्या है इसकी पोजीशन होती है। नेक्स्ट क्या है, pubosacral, the pubosacral these extend forward from the transverse cervical ligament on each side of the bladder and it attach to the posterior surface of the pubic bone. ये किससे अटैच होता है, अपनी जो posterior surface होती है किसकी, pubic bone की, उससे क्या है ये अटैच होता है।
नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस क्या है? एक्सेप्ट करता है किसको? फर्टिलाइज ओवम को। और जो पास थ्रू द यूट्रो ट्यूबल जंक्शन फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? यूट्राइन ट्यूब या फेलोपियन ट्यूब। तो यूट्राइन ट्यूब है वो क्या है? द यूट्राइन ट्यूब आर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यूट्राइन ट्यूब है वो क्या है? अपनी 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ द यूट्रस बिटवीन द बॉडी एंड द फंडस। और कहां से कहां तक होती है? एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ द यूट्रस, कहां से? साइड ऑफ द यूट्रस से लेके बिटवीन द बॉडी एंड द फंडस। बॉडी और फंडस तक क्या है? ये यूट्राइन ट्यूब प्रेजेंट होती है। दे लाइज इन द अपर फ्री बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। ये कहां पे सिचुएटेड होती है? लाइज इन द अपर फ्री बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड देयर ट्रम्पेटेड शेप लेटरल एंड पेनिट्रेट द पोस्टीरियर वॉल ओपनिंग इन टू द पेरिटोनियल कैविटी क्लोज टू द ओवरीज। द एंड ऑफ ईच ट्यूब हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्ब्रेक। द लॉन्गेस्ट ऑफ दीज इज ओवेरियन फिम्ब्रा विच इज एनक्लोज एसोसिएट विद द ओवरी। तो जो अपनी यूट्राइन ट्यूब है वो क्या है? उसी को अपन क्या है? फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। द यूट्राइन ट्यूब आर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो अपनी यूट्राइन ट्यूब है उसकी साइज क्या होती है? लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होती है? एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ द यूट्रस बिटवीन द बॉडी एंड द फंडस। नेक्स्ट क्या है? दे लाइज इन द अपर फ्री बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। ये कहाँ पे लाइज होती है? अपर फ्री बॉर्डर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट एंड दे ट्रम्पेटेड शेप की होती है लेटरल एंड पेनिट्रेट द पोस्टीरियर वॉल ओपनिंग इन टू द पेरिटोनियल कैविटी। कहाँ पे ओपन होती है? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर होती है। क्लोज कहाँ पे होती है? ओवरीज के अंदर जाके क्या है ये क्लोज होते हैं। जो फेलोपियन ट्यूब है वो जो अपनी पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ पे जाके क्या है ओपन होती है, और जो ओवरीज है वहाँ पे जाके क्या है ये क्लोज होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम फिम्ब्रे बोलते हैं। लॉन्गेस्ट क्या है? ओवरियन फिम्ब्रे विच इज क्लोज एसोसिएशन विद द ओवरी। और जो सबसे लॉन्गेस्ट जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वो किसके साथ एसोसिएशन रहती है? अपनी ओवरीज के साथ क्या है वो एसोसिएटेड रहती है। देन आफ्टर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब की स्ट्रक्चर कैसी होती है? द यूट्राइन ट्यूब हैव एन यूट्राइन ट्यूब के अंदर क्या चीज होती है? आउटर कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम। आउटर कवरिंग किसकी होती है? पेरिटोनियम की होती है, ठीक है। मिडिल लेयर किसकी होती है? स्मूथ मसल्स की होती है। और लाइन किसकी होती है? एपिथीलियम की क्या है इस पर लाइनिंग होती है। तो जो स्ट्रक्चर है यूट्राइन ट्यूब की, स्ट्रक्चर के अंदर क्या है? आउटर लेयर जो है वो किसकी है? पेरिटोनियम की है। और जो मिडिल लेयर है वो किसकी है? स्मूथ मसल्स की। और लाइनिंग किसकी होती है? एपिथीलियम की लाइनिंग होती है।
नेक्स्ट है अपनी ब्लड सप्लाई। आर्टेरियल ब्लड सप्लाई किसके द्वारा होती है? दिस इज बाय द यूट्राइन आर्टरी विच आर ब्रांचेज ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। जो आर्टेरियल सप्लाई है वो किसके द्वारा होती है? दिस इज बाय द यूट्राइन आर्टरी, यूट्राइन आर्टरी के द्वारा होती है, विच आर ब्रांच फ्रॉम ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी। और वो किसकी ब्रांच होती है? इंटरनल इलियक आर्टरी की क्या है? ब्रांच होती है। दे पास अप द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द यूट्रस बिटवीन द टू लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। ये कहाँ पे पास होती है? दे पास अप टू लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द यूट्रस बिटवीन द टू लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। कहाँ से पास होती है? जो दो अपने किसके ब्रॉड लिगामेंट की जो लेयर होती है वहां से क्या है ये पास होती है। दे सप्लाई द यूट्रस एंड यूट्राइन ट्यूब एंड जॉइन विद द ओवेरियन आर्टरी टू द सप्लाई टू द ओवरीज। ये क्या है? सप्लाई करती है किसको? यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब को क्या है? सप्लाई करती है। और जॉइन किसके साथ होती है? ओवेरियन आर्टरी के साथ जॉइन होती है और फिर क्या है ओवरीज को ब्लड सप्लाई करती है। ब्रांचेस पास डाउनवर्ड टू द विद द वेजाइनल आर्टरी टू सप्लाई द वेजाइना। और जो ब्रांचेज है वो क्या है? डाउनवर्ड होती हैं, ठीक है। और जो अपनी वेजाइनल आर्टरी है वो किसको ब्लड सप्लाई करती है? वेजाइना को ब्लड सप्लाई करती है। वीनस ड्रेनेज की अपन बात करें तो वीनस ड्रेनेज फॉलो द सेम रूट एज द आर्टरी एंड इवेंचुअली ड्रेन इनटू द इंटरनल इलियक वेन। सेम जैसे कि जिस आर्टरी ने सप्लाई की है वही आर्टरी क्या करेगी? यहाँ पे ब्लड को वीनस ड्रेनेज करेगी, सेम होगी। और वो किस में लाके छोड़ेगी? इंटरनल इलियक वेन के अंदर लाके क्या है वो छोड़ देगी। ब्लड सप्लाई के बाद क्या है? लिम्फ ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई कैसे होती है? लिम्फ ड्रेनेज की बात करें तो लिम्फ ड्रेनेज कैसे होगा? दे आर डीप एंड सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स। यहाँ पे क्या है? डीप और सुपरफिशियल दोनों टाइप से क्या है? लिम्फ प्रेजेंट होती है, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है, विच ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द यूट्रस एंड द यूट्राइन ट्यूब। और कहाँ से करते हैं वो? यूट्रस और यूट्राइन ट्यूब से क्या है वो उठाते हैं किसको? लिम्फेटिक फ्लूइड को। टू द आर्टिक लिम्फ नोड, किसके द्वारा? आर्टिक लिम्फ नोड के द्वारा एंड ग्रुप ऑफ नोड एसोसिएटेड विद द इलियक ब्लड वेसल्स। और जो आपका आर्टिक लिम्फ नोड है वो क्या है? किसके साथ ग्रुप कनेक्टेड रहता है? आपकी जो इलियक ब्लड वेसल्स है उनके साथ क्या है वो एसोसिएटेड रहता है। नेक्स्ट है नर्व सप्लाई। द नर्व सप्लाई द यूट्रस एंड द यूट्राइन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ पैरासिम्पेथेटिक फाइबर फ्रॉम द सेक्रल आउटफ्लो एंड सिंपेथेटिक फाइबर फ्रॉम द लंबर आउटफ्लो। जो नर्व सप्लाई है वो कैसी होती है? द नर्व सप्लाई द यूट्रस एंड द यूट्राइन ट्यूब कंसिस्ट ऑफ पैरासिम्पेथेटिक फाइबर। पैरासिम्पेथेटिक फाइबर उसके द्वारा क्या होता है? सेक्रल आउटफ्लो होता है। और सिंपेथेटिक फाइबर के थ्रू क्या होता है? लंबर आउटफ्लो होता है।
नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब के फंक्शन क्या है। द यूट्राइन ट्यूब कन्वे द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस बाई सिलियरी मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट और सिलियरी मूवमेंट्स के द्वारा क्या है यहाँ पे कन्वे होता है क्या, ओवम कहां से, ओवरी से। द म्यूकस सिक्रेटेड बाय द लाइनिंग मेम्ब्रेन प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर मूवमेंट ऑफ द ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ। जो मसल्स है सिक्रेट होता है किसके द्वारा, मेम्ब्रेन के द्वारा, वो क्या करती है आइडियल कंडीशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ। फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम यूजुअली टेक प्लेस इन द यूट्राइन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन है वो कहां पे होता है, यूट्राइन ट्यूब के अंदर। एंड द जायगोट इज प्रोपोल्ड इनटू द यूट्रस फ्रॉम इम्प्लांटेशन। और जायगोट है वो कहां पे प्रोपोल होता है, यूट्रस के अंदर, क्या है इम्प्लांटेशन के लिए क्या है प्रोपोल्ड होता है। द यूट्राइन ट्यूब कन्वे द ओवम फ्रॉम द ओवरी। यूट्राइन ट्यूब है वो क्या करती है, कन्वे करती है किसको, ओवम को, कहां के लिए, कहां, ओवरी के लिए। यूट्राइन किसके द्वारा भाई, सिलियरी एंड पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है उनके द्वारा क्या है वो कन्वे करती है। देन आफ्टर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम यूजुअली टेक प्लेस इन द यूट्राइन ट्यूब एंड जायगोट इज प्रोपोल्ड इनटू द यूट्रस फ्रॉम द इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट क्या है, म्यूकस सिक्रेट बाय द लाइनिंग मेम्ब्रेन। म्यूकस किसके द्वारा सिक्रेट होता है, लाइनिंग मेम्ब्रेन के द्वारा। क्या होता है ये, करता क्या, प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर मूवमेंट ऑफ द ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ। और जो मूवमेंट है किसके, ओवम एंड स्पर्मेटोजोआ की, उस वो उसमें क्या है ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, ओवरीज। ओवरी क्या है, द ओवरीज आर द फीमेल गोनोड्स और ग्लैंड्स एंड दे लाइज इन ए शैलो पोजा ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस। ओवरीज क्या है, फीमेल गोनोड्स है, ठीक है, ग्लैंड्स है, कहाँ पे सिचुएटेड होती है, फोसा के अंदर सिचुएटेड होती है, ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस, जो अपने पेल्विस है उसके लेटरल वॉल के अंदर। दे आर अबाउट 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 2.5 से लेके 3.5 सेंटीमीटर क्या है ये लॉन्ग होती है। वाइड कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर क्या है वाइड होती है, 1 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। तो ओवरीज क्या है, फीमेल ऑर्गन है, फीमेल ग्लैंड है, और जो अपनी लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस है वहाँ पे क्या है ये सिचुएटेड होती है, 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 2 सेंटीमीटर की वाइड होती है, और 1 सेंटीमीटर की क्या है अपनी ओवरीज की थिकनेस होती है। ईच इज अटैच बाय द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस। जो दो होती है ना वो क्या है, प्रत्येक इज अटैच ऑन द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस बाय ए ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट के अंदर क्या है ये किस कारण के साथ जुड़ी हुई रहती है। एंड द बैक ऑफ ब्रॉड लिगामेंट, पीछे से क्या है ब्रॉड लिगामेंट, ए ब्रॉड लिगामेंट बाई ए ब्रॉड बैंड ऑफ टिश्यू। ब्रॉड लिगामेंट किससे जुड़ता है, बाई ए ब्रॉड बैंड ऑफ टिश्यू द मेजोवेरियम।
ब्लड वेसल्स एंड नर्व पास टू द ओवरी थ्रू द मेजोरम। ये क्या एक स्लाइड दिखाई गई है, सेक्शन कटिंग दिखाई गई है किसकी, ओवरीज की, जिसके अंदर क्या है ओवरियन फॉलिकल्स की जो डेवलपमेंट फेज है वो क्या है दिखाई गई है। फर्स्ट डे कैसा होता है, 12 डे क्या है, 14 डेज में, 20 डेज में और 28 डेज के अंदर। इसके अंदर क्या है प्री मॉडल फॉलिकल्स दिखाए गए हैं, मेडुला है, ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, मेचो उसकी क्या है अप्रोचिंग मेच्योरिटी दिखाई गई है। देन आफ्टर 12 डे के बाद क्या दिखाया गया है, फर्स्ट से 12 डे तक क्या दिखाया है प्री मॉडल फॉलिकल्स हैं, इसके अंदर मेडुला है, ओवेरियन फॉलिकल्स अपीयरेंस दिखाया गया है। 12 डे में क्या दिखाया गया है, मेच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स दिखाए गए हैं, ओवम दिखाया गया है, लिक्योर फॉलिकल्स दिखाए गए हैं, रप्चर्ड फॉलिकल्स दिखाए गए हैं, ओवम दिखाया गया है और उसका ओवुलेशन दिखाया गया है। 14 से 20 डे के अंदर क्या है कार्पस लुटियम दिखाया गया है, 20 से 28 में क्या है अपनी फुली फॉर्म कार्पस लुटियम है और फाइबस कैप्सूल प्रेजेंट है। ये क्या है सेक्शन है किसका, ओवरी का है, और इसके अंदर क्या है इसकी जो डेवलपमेंट स्टेज जो है वो क्या है दिखाई गई है। ब्लड वेसल्स है, एपिथीलियम है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी, जिसके जिस पे अपन क्या है जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पे क्या है डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।